विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज के अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ दिया है। खानू गांव में तालाब की जमीन पर आरिफ मसूद का कॉलेज कैसे बन गया, इसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है। इस बार प्रशासन के तेवर कड़े हैं और वह कड़ी कार्रवाई के मूड में है। फ्रांस से उठे कार्टून विवाद के बाद पिछले दिनों राजधानी के इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर नियम भंग करने वाले भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ प्रशासन के तेवर अब और कड़े हो गए हैं। एक दिन पहले ही पुलिस ने आरिफ मसूद समेत 7 के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में FIR दर्ज की थी। इसके अगले ही दिन प्रशासन ने खानू गांव स्थित बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित आरिफ मसूद की बिल्डिंगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां विधायक आरिफ मसूद का कॉलेज भी बना हुआ है। इन निर्माणों के बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में यानी कैचमेंट एरिया में आने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। आरिफ मसूद का कहना है कि उनके पास इस पर स्टे है। प्रशासन इस मामले की जांच कर अभी सिर्फ अवैध निर्माणों को जमींदोज कर रहा है। आरिफ मसूद से जुड़े लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की और अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध भी किया। माननीय जिला न्यायालय द्वारा 2005 में आप देखेंगे दो बिल्डिंगें मेन बिल्डिंग है उस पर स्टे दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो भी अवैध निर्माण है उसमें आज तोड़ने की हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो लगभग 12,000 वर्ग फीट एरिया पे है और आप देख रहे हैं लगभग कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन को खबर लगी थी कि विधायक समर्थक अतिक्रमण विरोधी अमले पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने मसूद के गुर्रों की एक भी नहीं चली। लिली टॉकेज पर गदर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भी आरिफ मसूद ने जमकर गुंडागर्दी की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खानू गांव में इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान निगम अमले के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई के बाद आरिफ मसूद सफाई देते नजर आए हैं। कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।